हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। गाइस पुनर्बार मोर चैनल सकते स्वागत जानसूँ और हैप्पी रक्षाबंधन सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं अर्पण करती हूँ। सो आज है रक्षाबंधन, लेकिन जो तिथि के अनुसार रात की 9 बजे की बात रात 11 बजे तक मिली है और सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मिली है शायद। सुबह बहुत जल्दीबाजी होगी क्योंकि बाबा को कॉलेज जाने भी है। मैं इतनी फटाफट नहीं कर पाऊँगी। अभी ही भाई को भी बुलाई हूँ मैंने, अभी रात की 10 बजे ही भाई को पहनाऊँगी। वीडियो को फर्स्ट एंड तक देखने की कोशिश कीजिएगा गाइस। आज मैं ऐसे मतलब स्टाइल में वेंडी फ्राई करूँगी। पहले मैंने ऐसी मतलब इस टाइप में नहीं की थी, आज करूँगी। वेंडी को ऐसे काट ली, अभी धो के मैं उसकी शेप में काटूँगी। मतलब भाई आ रहे हैं तो पहले से थोड़ी रेडी करके रखूँगी। कुछ भी नहीं है सिंपल, वो भी सिंपल निरामिष खाएगी। हम लोग भी रक्षा पूर्णिमा है इसलिए। देखते रहिए गाइस। देखो अभी मैं ऐसे करके काट कर रही हूँ, ऐसे ऐसे पीसेस होगी इसकी। आज मैं मन में आई एक नई कुछ बनाती हूँ। भिंडी तो हमेशा भाजी वगैरह करके खाती हूँ, आज थोड़ी अलग करके बनाऊँगी। साथ में मटर पनीर भी बनाऊँगी, पराठे भी है, चावल भी है आज, लेकिन सिंपल, एकदम सिंपल, क्योंकि मेरे भाई भी वेज खा रहे हैं और हम लोग भी खा रहे हैं। पूर्णिमा के हम लोग नहीं खाती हूँ कुछ भी, मीट मछली ये सब। ये देखो गाइस, देखो ऐसे लंबा लंबा के ही मैं काट रही हूँ। इनकी साइज थोड़ी बड़े होने से मतलब अच्छी होती है, टूट फूट नहीं जाती है। मैं अभी सब काटूंगी ऐसे छोटे छोटे पीसेस। देखो मसूर दाल बनाई थी मैंने, दाल को तड़का लगा ली करी पत्ता और सरसों के साथ दाल फ्राई। इधर मैंने जीरा, हल्दी पाउडर, नमक, बेसन, लाल मिर्च कलर और थोड़ी सब्जी मसाला ऐड की थी और अभी थोड़ी कॉर्नफ्लावर भी दे दूंगी गाइस। मैं कॉर्नफ्लावर देने से टेस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। अभी इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखे करके, बहुत अच्छी है रेसिपी। मतलब मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, लेकिन देख के लग रही है बहुत अच्छी रेसिपी है ये। थोड़ी टाइम के लिए मैं रख दूंगी। और देखो अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करते समय मैं जीरा दे के फूरन जो लगाई थी, सफ़ेद जीरा लेके, सो अच्छे से इसको अभी मैं फ्राई कर लेती हूँ गाइस। और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। देखो अभी थोड़ी पनीर बना रही हूँ मैं, मसाला भून दे रही, थोड़ी क्रीम भी दे रही हूँ। रेसिपी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत जल्दीबाजी हो रही है, मैं एकदम मतलब थक गई हूँ भागा भागी करके। तो फटाफट बना के
फिर मिलती हूँ। थोड़ी दिखाने की कोशिश भी करूँगी कैसे बना रही हूँ, मतलब रेसिपी बोल के नहीं, ऐसे ही दिखाऊँगी। ये देखो गाइस, मटर और पनीर एक साथ में फ्राई कर रही हूँ। और ये पनीर भी बना के हो गई गाइस, सब खाना रेडी हो गई। अभी मैं राखी बनने की तैयारी करूँगी। और मैंने ये राखी की थाली सजा ली गाइस, देखो भाई भी आ गई है। और मैंने ये एक एक करके राखी निकाल ली है गाइस, क्योंकि बाबा जान भी बैठे हुए हैं, वो लोग भी पहनाएगी। और मेरी भाई आ गई, अभी मैं उसको पहनाऊंगी। जब से मैं जान पाई हूँ राखी की महत्व क्या है, तब से मैं भाई को हर साल मतलब राखी पहनाती हूँ। अभी भाई को मैं पहना लूँगी, उसके बाद जान बाबा पहनाएगी। सो मेरे भाई तो एक ही है, जो उसकी लंबी उम्र के लिए, जो अच्छे से रहे, सलामत रहे, उसके लिए मैं प्रे भी कर रही हूँ। सो इतनी नहीं आती है, फिर भी कोशिश करती हूँ भाई को रक्षाबंधन के दिन मैं राखी पहनाने के लिए। सो अभी उसको एक मिठाई भी खिला रही हूँ गाइस। सो सब ये सब करके खाना भी भाई खा के जाएगी। फुल भेज ही बनाई हूँ आज मैं, क्योंकि पूर्णिमा चल रही है इसलिए। सो ये बहुत पावन, मतलब पावन दिन है रक्षाबंधन की दिन जो होती है एक बहन के लिए, बहुत मतलब खुशी की, गर्व की बात है। सो मुझे भी बहुत सुकून मिलती है राखी पहना के भाई को। सो इसलिए मैं हमेशा पहनाती हूँ भाई को राखी गाइस। सो अभी पहना के हो गई है, देखो भाई की कलाई में। और ये देखो, ये दोनों भी बैठ गए हैं एकदम छोटे से लेकर अभी तक। कभी मैं जब छोटे थे वो भी तस्वीर दिखाऊंगी आप लोग के सामने, बाबा जान की रक्षाबंधन की जो तस्वीर है। सो ये दोनों भी देखो कैसे नियम कर रहे हैं और एक दूसरे को बांधने में बिजी है। अभी सब बांध के होने के बाद हम लोग खाने की तैयारी कर रही हूँ गाइस। ये देखो पनीर, भिंडी की भाजी और दाल फ्राई, करी पत्ते के साथ चावल भी है और पराठे भी मैं बना के अभी लाऊंगी। सो पनीर की रेसिपी बहुत टेस्टी हुई है, मतलब खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है गाइस। लास्ट में मैं क्रीम दे रही थी। ये देखो पराठा भी बना के लाई हूँ। सो अभी सब खा पी के रेडी हो जाऊंगी रात की सोने के लिए बाद में। सो सभी खा रही है, अन्ना का तबीयत ठीक नहीं है, वो खाने का मन ही नहीं कर रही है। भाई को बहुत अच्छे लग रही है पनीर की सब्जी। सो जान बाबा सभी, और मुझे इतनी गर्मी लगी थी, मतलब मैं साड़ी पहनी हुई थी इसलिए मैं नीचे में ही बैठ गई। और ये है मेरी थाली, ब्राउन राइस लेके बैठ गई हूँ। सो बहुत गर्मी, उस टाइम करंट भी चली गई थी, सो इन्वर्टर में ही काम चला रही हूँ। इतनी गर्मी लग रही है, बाप रे बहुत गर्मी ज़्यादा। और मैं भागा भागी बहुत ज़्यादा कर रही थी इवनिंग से ही। सो अभी नीचे में शांति से मैं बैठ के खा रही हूँ गाइस। देखो सब पनीर बहुत टेस्टी हुई है और दाल फ्राई तो और भी टेस्टी हुई है, जो करी पत्ते के साथ मैं बनाई थी। बहुत मज़ा आ रही है खा के। सो गाइस, खा पी के एकदम मतलब कंप्लीट हो गई है। दिखाया कुछ आज मैं, खासकर एक भिंडी की रेसिपी लाई थी, सिंपल भिंडी फ्राई,
सो आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छी रेसिपी है। ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाई और रेसिपी भी बहुत छोटी मोटी है, फिर भी मैं बोल रही हूँ एक बार प्लीज़ ट्राई करके देखिए, बहुत टेस्टी है रेसिपी। सो खा पी के कम्प्लीट हो गई, अभी भाई भी चले गए घर, बाबा जान ने भी राखी पहना लिया। एकदम बाबा जब जन्म हुई थी उसके बाद से ही जान बाबा को पहनाते, और बाबा का जो राखी है उसको मैं छूकर मैं ही बांध देती हूँ, मतलब तब से मैं ये नियम, मतलब इन दोनों के बीच है। सो पता नहीं कितने दिन तक चलेगी, बाहर पढ़ने से जाने से तो मुमकिन नहीं है, फिर भी अभी घर पे है इसलिए दोनों को मतलब एक साथ बैठा के कर पाई नियम जो। सो और मैं ब्लॉग को अभी बड़ा नहीं करूँगी, मतलब देखिए मेरी पसीना मतलब छूट रही है, इतनी मतलब गर्मी ज़्यादा है। सो फटाफट मैं भी पहना ली। सो आज की ब्लॉग कैसी लगी गाइस कमेंट करना, साथ में मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। सो नेक्स्ट ब्लॉग और रेसिपी के साथ आप लोग की मैं फिर से हाजिर होंगी। आज के लिए बाय बाय टाटा, और सब अच्छे से रहिए, खुश रहिए, फिर से बोल रहे हो हैप्पी रक्षाबंधन। सो बाय बाय, गुड नाइट।